दोस्तों अगर आप भी रिंकू को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आईपीएल 2023 का तूफानी मुकाबला सन हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में समाप्त हुआ। एक और बार रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का दम दिखाया। इस मुकाबले में जहां 229 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी केकेआर की टीम, नीतीश राणा 75 रन बनाकर आउट हो गए थे। अंत में आए थे रिंकू सिंह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें 18वें ओवर में कुछ ऐसा घटना घटी जिसे देख सब हैरान होकर रह गए। दोस्तों आप सभी को बता दें फुल टॉस गेंद पर नटराजन की सीधा फिलिपी के हाथों में जाकर गिरी थी गेंद, लेकिन जैसे उनके हाथ से छूट गई गेंद उन्होंने इस तरीके की शानदार डाइव मारी गेंद को रुकाने के लिए और ऐसा लग रहा था कि पूरे कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन उन्हीं के सिर से टकराकर गेंद वापस बाउंड्री के पार चली गई कुछ इस तरीके से। दोस्तों ग्लेन फिलिपी का ये प्रयास देखकर कप्तान एडम मार्करम मैदान पर ही ताली बजाने लगे। दोस्तों इस प्रयास को देखकर खुद रिंकू सिंह भी हैरान हो गए कि एक खिलाड़ी इतनी लंबी डाइव कैसे लगा सकता है सिर्फ एक चौके को बचाने के लिए। ग्लेन फिलिपी का ये प्रयास काफी बेहतरीन था, काफी शानदार था, लेकिन रिंकू सिंह ने भी आज अच्छी पारी खेली, लेकिन वो 58 रनों की पारी खेलकर भी केकेआर को जीता नहीं पाए और 23 रनों से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ये मुकाबला हार गई। इस मुकाबले में सन हैदराबाद को 23 रनों से शानदार जीत मिली। लेकिन दोस्तों आप ग्लेन फिलिपी की इस कैच को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।